बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से सब्सक्राइब के बटन से, ठीक है। इस पे आपने आगे इसको सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद इसके साथ एक बेल का साइन बना होगा, जिस तरह इस पे बना हुआ, ठीक है। इस पे बना, उसके उस पर भी आपने क्लिक कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ये मेरा चैनल है यूनिक विन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना है, इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, और भी काफ़ी हैं इसमें अर्निंग के हवाले से, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग भी, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे, एक तो आपको नोटिफिकेशन वैसे भी मिल जाएगी, अगर बेल के साइन पर क्लिक कर लेते हो तो, नहीं तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में आ जाओगे तो भी आपको जो है यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सारी वीडियोज आपको सब्सक्रिप्शन में शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपने, ये भी मेरा चैनल है UVAPK के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे बेल के साइन पे क्लिक कर लेना है। ज़्यादातर वीडियो इसी पे अपलोड करता हूँ, तो आप इसी को भी, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि जितनी भी नई वीडियोज आएँ वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो है, ये मेरा पेज है का यूनिक विजन अकेडमी के नाम से, इसमें स्लैश। अच्छा, फेसबुक पेज को भी हमने यहाँ से लाइक कर लेना है, और इसको अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करना है, ठीक है। और जितने मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे या हमारी पोस्ट होंगी, इनको शेयर और लाइक भी करना आपने, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पेज हो गया। उसके बाद हमने जो है इसको ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, फेसबुक ग्रुप ही हमारा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स को इस पर आप ऐड कर लें, यहाँ पे साथ देखें ऐड मेम्बर की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ऐड मेम्बर, तो वो मेंबर एज ए मेंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो भी वहाँ पे ऐड हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह आपने जो अपने फ्रेंड्स को भी इसमें ऐड कर लेना है, और उनसे भी शेयर करना है, और मैं जितनी वीडियोज होंगी उनको भी फ्रेंड्स से शेयर करना है आपने। और उसके बाद ये है हमारा ट्विटर का अकाउंट, ठीक है। इस पर भी UVAPK ही है, ठीक है। यही मेरा ट्विटर का अकाउंट है, इसको भी आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। जैसे ही वीडियो हम उससे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी शेयर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने फॉलो कर लेना अपने अकाउंट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम जब लेक्चर बनाते हैं, इसमें हम कुछ प्लगइन और थीम्स को भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि प्रीमियम थीम्स होती हैं, वो आपको बाय करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये FBN बॉक्सर है, ये भी एक प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा, उनको बाय करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी को टेस्टिंग पर्पज़ और सिर्फ लर्निंग के लिए चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगी फ्री में। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, मेरी ईमेल भी दी होगी, ठीक है, उस पर आप कर लो, या मुझसे व्हाट्सएप या सेल पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको थीम्स और प्लगइन जो भी आपको चाहिए होगा मिल जाएंगे, ठीक है। जो हम नहीं भी यूज़ करते अपनी किसी लेक्चर में, तो वो भी अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा। आप मुझे बस बता देना कि ये चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा किसी को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्रीमियम होते हैं, जिस तरह से भी हैं, सारे मिल जाएंगे, जिस जिसको जो जो भी चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, या अर्निंग के हवाले से कुछ जानना चाह रहा है, जैसे यूट्यूब से अर्निंग कैसे की जाती है, और कोई चैनल क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो भी हम कर देंगे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट किसने बनवाना है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, वेबसाइट का, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आर्डुइनो होते हैं, तो भी हम आपको बना के देते हैं। उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल तो ऑलरेडी उसमें होगी, ठीक है, ये यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये तो अच्छा, ये मेरे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मेरी ईमेल आईडी है oneforthour@gmail.com, वो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप उससे मुझे मेल भी कर सकते हो, या मुझसे व्हाट्सएप, या वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको मैंने नंबर दिखाए हैं यहाँ पे, इन नंबर से, ठीक है। ओके, इस लेक्चर में आपको एक स्कूल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बताऊंगा। ये सिस्टम आपको जो है $250 में बना के दूंगा। तो उस सिस्टम में कौन कौन से मॉड्यूल शामिल हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट ये डेमो वेबसाइट है, ठीक है,
यहाँ पे एडमिन के लिए लॉगिन है, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट के लिए, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन है। सब यहाँ पे लॉगिन करके अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एडमिन का देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे वो स्टूडेंट शो कर रहा है टोटल कितना है, यहाँ पे पेरेंट शो कर रहा है, टीचर शो कर रहा है और सब्जेक्ट हमारे पास कितना है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी एडमिन की यहाँ से प्रोफाइल शो कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हमारे पास इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ डैशबोर्ड में शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट और एक्सपेंडिचर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइट स्टेटस, विजिटर का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे नोटिसेज हैं जो आप जारी करते हैं और यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे नोटिसेज और जो है हॉलीडेज वगैरह को शो करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डैशबोर्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट होगी जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं फर्ज करें क्लास वन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। ऑन नहीं है, इसको आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है, इसके स्टेटस को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से उसको व्यू कर सकते हो, मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये अपने इसके बाद इसको कॉपी कर सकते हो, एक्सेल की फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, CVS में कर सकते हो या PDF में कर सकते हो, आप जिसमें भी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सॉर्टिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट था, ठीक है। इसको सेंड ईमेल करनी, एडिट करना उसको, या प्रीव्यू लेना या प्रिंट लेना उसका, तो ये आप यहाँ से इसकी सारी डिटेल का प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन वाइज है, सेक्शन बी के, सेक्शन सी के, ठीक है, वो है। अगर आपने ऐड स्टूडेंट करना है तो आप ऐड पे क्लिक करोगे, जिस क्लास में भी ऐड करना है उस क्लास में आके ऐड स्टूडेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे उसका नेम देना है, यहाँ पे जो है डे गार्डियन उसका देना है, ठीक है। अगर गार्डियन ऑलरेडी एडिड है तो ठीक है, नहीं तो क्विक ऐड पे आप उसका गार्डियन ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने गार्डियन ऐड करना है, ठीक है। ये देखो उसका गार्डियन नेम, फादर नेम, मदर और प्रोफेशन, इस तरह उसका मदर का प्रोफेशन, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस और ये उनका यूजर पासवर्ड होंगे जहाँ से वो लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ से आप फोटो अपलोड करनी है आपने, ठीक है, ये दे दोगे। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो दोगे, ईमेल दोगे, फोन, एड्रेस, स्टेट और कंट्री जो भी उसकी होगी, ठीक है। क्लास यहाँ से उसकी सिलेक्ट करोगे, सेक्शन सिलेक्ट करोगे। अगर सेक्शन सिलेक्टेड नहीं हो रहा तो यहाँ से आप क्यू के ऐड करके सेक्शन को भी ऐड कर सकते हो, जिस तरह हमने गार्डियन को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से देखें सेक्शन, कैटेगरी, फैक्ट्री और क्लास, ठीक है। और टीचर नेम, सेक्शन को कौन सा टीचर हैंडल कर रहा है, ठीक है। इंचार्ज देखते हैं, यहाँ पर नोट अगर कोई देना चाहते हो तो दो, नहीं तो ऑप्शनल आइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐड स्टूडेंट करना है, इसकी डिटेल दे देनी है, लॉग इन और पासवर्ड की, फिर ऐड करके और रोल नंबर, ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर करके इसको ऐड कर देना स्टूडेंट को आपने। उसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स में। अच्छा, पेरेंट्स में आ जाए तो ये आपको सारे पेरेंट्स यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, PDF, एक्सेल या कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो और यहाँ से इसको व्यू कर सकते हो पेरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट को ऐड करना तो ऐड पेरेंट पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। यहाँ से ऐड पेरेंट, गार्डियन नेम और वही चीज़ें जो उसको हमने क्विक ऐड में किया था, ठीक है। यहाँ से टीचर ऐड करना, ठीक है। ये सारे टीचर सेम वही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, CVS, एक्सेल और कॉपी, ठीक है। यहाँ से ऐड टीचर, और जो टीचर आपको ऑलरेडी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीचर का नेम देना है,
डेजिग्नेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है जो भी होगी, ठीक है। यहाँ से मेल है फीमेल है वो देना है, यहाँ से उसका रिलीजन क्या है, फीमेल क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और एड्रेस क्या है, ठीक है। इसमें ज्वाइनिंग इसकी डेट क्या होगी वो अपने यहाँ से ऐड कर देनी है, इसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है और यहाँ से कि यूज़र डिटेल्स और पासवर्ड दे देना और इसको ऐड टीचर हमने कर देना, ठीक है। यहाँ से उसके बाद यूज़र में आ जाते हैं। अब यूज़र भी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट होता है, लाइब्रेरियन होता है और रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है। उनको उनको भी लॉगिन डिटेल्स देनी हो तो उसके लिए भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी वेबसाइट पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐड यूज़र करते हैं, ठीक है। नेम क्या होगा उसका, डेट ऑफ बर्थ सेम वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी की हैं, ईमेल एड्रेस रिलीजन वगैरह, ठीक है। सिलेक्ट रोल वो क्या है, मॉडरेटर है, रिसेप्शनिस्ट है, लाइब्रेरियन है या अकाउंटेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ से उसकी रोल सिलेक्ट करके इसके बाद उसकी यूज़र डिटेल्स वगैरह देगा, हमने ऐड यूज़र कर देना, ठीक है। यहाँ पे यूज़र ऐड होगा, उसके बाद अकेडमिक में आ जाते हैं। अकेडमिक में सबसे पहले क्लास में कौन कौन सी क्लासेस आप यहाँ पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम वही इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्लास यहाँ पे क्लास की न्यूमेरिक आईडी और क्लास का टीचर जो भी होगा, ठीक है, वो सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड क्लास कर देनी है आपने, ठीक है। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फाइल में, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फाइल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास टू मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसके जो सेलेक्ट है यहाँ पे उसके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसका जो टीचर है और पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसके उसके फाइनल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। डिलीट कर सकते हो, ठीक है, उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी भी फाइल में। यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ से क्लास है, किस क्लास का सब्जेक्ट है, उसके टीचर नेम कौन सा है, टाइप उसकी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शनल है, यहाँ मैंडेटरी है, उसके बाद उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, फाइनल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नेम क्या है उसका, आथर कौन सा, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ना लिखना। सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है, वो हमने लिख लेना है। यहाँ उसके बाद सेक्शन ऐड करने हैं, सेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐड हुए हैं, ठीक है, इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे सेक्शन ऐड किए हैं, ए बी सी, ठीक है, इनको भी एडिट एंड डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड सेक्शन में आ जाओ, तो यहाँ से सेक्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन है, कैटेगरी इसकी कौन सी है, कैपेसिटी क्या उसमें, क्लास कौन सी है जिसको सेक्शन ऐड करो जिसमें, और टीचर का नेम क्या है, इसी तरह नोट अगर भी लिखना चाहते हो तो, ठीक है। सिलेबस यहाँ से ऐड करना है, हम देख लेते हैं क्लास टू का सिलेबस, तो ये ऐड हुआ सब सिलेबस इसका क्लास टू का, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा उसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। अगर यहाँ से ऐड सिलेबस करते हैं हम, यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से आप उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन और किस क्लास का सिलेबस है, ठीक है, यहाँ से फाइल ब्राउज करके फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ की जो भी होगी वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। असाइनमेंट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स देख लेते हैं हम, ये मतलब असाइनमेंट उसने दिए हैं, ठीक है, पीडीएफ में है, ठीक है। अब इनको जो है यहाँ से व्यू कर सकते हो और एडिट और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सारी फाइल में, एक्सेल में, सीवीएस में या पीडीएफ में। असाइनमेंट का नेम डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद डेडलाइन देनी है कि किस डेट को जो है असाइनमेंट सबमिट होगी, क्लास कौन सी है और सेक्शन कौन सा है क्लास में और सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी असाइनमेंट है। यहाँ से फाइल अपलोड कर दोगे, पीडीएफ फाइल जो भी असाइनमेंट होगी, ठीक है, इसको ऐड कर दोगे। उसके बाद रूटीन यानी कि टाइम टेबल वगैरह यहाँ से हम देखते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैं देख लेता हूँ किसी भी क्लास की, क्लास वन की, तो ये यहाँ पे इसमें जो है टाइम टेबल दिया हुआ, ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्क्रोलिंग करके इसको देख सकते हो। सेक्शन वाइज देखना तो ये है, सेक्शन वाइज भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप
और अगर ऐड रूटीन करनी है यहाँ से ऐड रूटीन करोगे आप, ठीक है। ये ईयर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्लास कौन सी है, यहाँ से सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और डे कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे टीचर कौन सा है उसका, और स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम क्या होगा, ठीक है। ऐड रूटीन और रूम नंबर भी उसका आप यहाँ से देख दे सकते हो, ठीक है। और ऐड रूटीन कर दोगे आप यहाँ से। उसके बाद अटेंडेंस में आ जाते हैं, यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट की अटेंडेंस है, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप पीडीएफ सीवीएस एक्सेल किसी भी फाइल में। ये यहाँ पे अटेंडेंस हमें शो कर रहा है, ठीक है। रोल नंबर के साथ उनकी अटेंडेंस शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास सेक्शन वाइज है, ठीक है। यहाँ पे ऐड अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ से किस क्लास की हमने अटेंडेंस लेनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट और डेट, ठीक है। और अटेंडेंस पे क्लिक कर दोगे तो अटेंडेंस, ठीक है। अभी सेक्शन हमने सेलेक्ट नहीं था किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से आप अटेंडेंस ले सकते हो, ठीक है। ऐड अटेंडेंस, तो ये हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह आप अटेंडेंस भी ऐड कर सकते हो। इस तरह टीचर की अटेंडेंस है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड टीचर अटेंडेंस, और यहाँ पे हम अटेंडेंस चेक करते हैं, तो ये हमारे पास, ठीक है। जिस भी डेट को होगी वहाँ से आप ऐड कर सकोगे, ठीक है। ये हमारे पास सक्सेसफुली ऐड होगी। उसके बाद एग्जाम में जाते हैं, सबसे पहले एग्जाम है। एग्जाम में क्या है उसको भी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं सीवीएस एक्सेल और पीडीएफ फाइल में। ऐड एग्जाम करोगे एडिट कर सकते हैं इसको और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डेट है एग्जाम का, नेम और नोट, ठीक है। एग्जाम स्केड्यूल क्या है वो आप यहाँ से ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई नहीं है, क्लास वन का देख लेते हैं। तो ये मेरे पास ऐड हुआ है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर या जो भी होगा आप ऐड कर सकते हो, यूनिवर्सिटी या सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। को ये पीडीएफ सीवीएस और ऐड स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम क्लास सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, डेट कौन सा, टाइम फ्रॉम टू जो भी होगा, रूम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्टिंग और एंड टाइम। तो यहाँ से एग्जाम शेड्यूल ऐड हो गया, उसके बाद हमने ग्रेड ऐड करना है। इसको मैं लॉग इन करूँ दोबारा से, हमने आ जाना है एग्जाम में और यहाँ पे ग्रेड में। यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नंबर देख सकते हो, उसका मार्क्स कितने आप टू कितने होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स लेके होने तक कौन सा ग्रेड होगा, उसकी ग्रेड पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड ग्रेड करो, यहाँ पे ग्रेड नेम, ग्रेड पॉइंट कितना होंगे, ठीक है। मार्क्स फ्रॉम अप टू, ठीक है। नोटिस अगर आपने भी देना है यहाँ पे, नोट अगर देना है, ठीक है। एग्जाम अटेंडेंस, बाकी अटेंडेंस हमने देखी, इस तरह आप एग्जाम की अटेंडेंस भी यहाँ से ले सकते हो। मैं भी अटेंड कर सकता हूँ, तो ये मैं शुक्र है, ठीक है। जो जो प्रेजेंट है, जो जो एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ से ऐड एग्जाम अटेंडेंस, यहाँ से एग्जाम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जो भी होगा उसके बाद क्लास सेक्शन अगर कोई है, और उसके बाद बुक और यहाँ पे अटेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास और अटेंड, ठीक है। जिससे अपने जो जो प्रेजेंट है उसको यहाँ मार्क कर दो, और जो एब्सेंट है उसको अनमार्क कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे शो कर देगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मार्क्स के ऑप्शन, मार्क्स के ऑप्शन में यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करते हैं, क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, ठीक है। कभी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फाइल में, ठीक है। यहाँ से पीडीएफ सीवी में, ठीक है। सेक्शन वाइज अगर देखना है, सेक्शन वाइज आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है।
एडीआर रोल नंबर क्या है, और यहाँ से आप ऐड मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ से मैं फर्स्ट मैच कर लेता हूँ, क्लास वन कर लेता हूँ, सेक्शन से कर लेता हूँ, सब्जेक्ट कोई भी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ ऐड, ठीक है। तो ये क्लास के मार्क्स पर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अटेंडेंस की कितने परसेंट है, क्लास टेस्ट 10% और कि उसके कितने भी होंगे, ठीक है। यहाँ से मार्क्स को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज सेट करनी है, तो वो आप यहाँ से करोगे। यहाँ से मार्क्स की परसेंटेज ऐड करोगे, या नॉल परसेंटेज आपको शो हो रही है, ठीक है। एग्जाम की कितने क्लास टेस्ट के कितने हैं, और क्विज के अटेंडेंस, और एम पे पासिंग मार्क्स, इनको सबको मिला के जो है बनते हैं 100 मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। इनको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स की टाइप और उसकी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रमोशन में आ जाते हैं। प्रमोशन में हमारे पास क्या है, हमने प्रमोट करना होता है क्लास को, अगली क्लास में यहाँ स्टूडेंट्स को, तो ये यहाँ पे हमारे पास शो हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी क्लास लग कर लेता हूँ, फिर करवा देता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से शो होगा, ठीक है। एडवांस में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स अगर इतने होंगे तो वो प्रमोट कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एकेडमी की है और क्लास टू में करेगा, ठीक है। वहां से नेक्स्ट टू में प्रमोट करेगा, ये सबके पासिंग मार्क्स होंगे यहाँ पे। तो मैसेज में रहते हैं, मैसेज में अगर हमें कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल डिलीट करना है या रिफ्रेश करना है, एडमिन को मैसेज जो है भेजा, वो अभी यहाँ से ओपन करके इसको देख सकते हो, ठीक है। कन्वर्जन और ड्राफ्ट में जो सेव हैं, जो सेंड हो चुके हैं, जो रिसीव हुए हैं, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जिनको डिलीट किया वो ट्रैश में आ जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया आप ऐड कर सकते हो, बुक्स वगैरह, इमेज वगैरह, यहाँ से क्रिएट फोल्डर करोगे, कोई भी फोल्डर का मैं नाम देता हूँ, वर्क करोगे तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप जो है मीडिया ऐड कर सकोगे, देखो यहाँ पे ऐड हो गया। मेल एसएमएस में आ जाओ, ठीक है। यहाँ से आप मेल एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। ऐड मेल एसएमएस पेरेंट को, स्टूडेंट को, ठीक है। उसकी टेम्पलेट बना के कोई डिफरेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, टेम्पलेट अगर बनी है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं स्टूडेंट को करता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्लास टू करते हैं, यूजर टेम्पलेट एब्सेंट की मतलब जो बनी है वो हम यहाँ से इसको करेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे, उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। लाइब्रेरी में आ जाओ, यहाँ पे मेंबर भी शो करता है, ठीक है। क्लास वन का ले लेते हैं, तो ये हमारे पास मेंबर है, ठीक है। यहाँ से व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर सेक्शन वाइज आप मेंबर्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे बुक्स हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं या नहीं, एडिट कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। रैक नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, अक्सर
तो मैथ एल्गोरिथम को डाउनलोड कर सकते हो इसी फाइल को। तो यहाँ सब बुक आपका सब्जेक्ट प्राइस क्वांटिटी एंड रैक नंबर। उसके बाद इश्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी आईडी लिखोगे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा किसको बुक इश्यू हुई है। यहाँ पे मैं इशू बुक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लाइब्रेरी आईडी हमें लिखनी है। यहाँ पे बुक कौन सी है, ऑथर कौन सा है उसका, और सब्जेक्ट कोड कौन सा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने किसी को इशू करनी है तो सीरियल नंबर क्या है उसकी और ड्यू डेट और नॉट। ठीक है, और एड इशू। उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करो। ट्रांसपोर्ट है, रूट फेयर यानी उसका किराया कितना होगा। ठीक है, व्हीकल नंबर हमारे पास क्या है, उसका रूट नेम क्या है, वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मैं ट्रांसफर करता हूँ, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सेल की डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल की फाइल या पीडीएफ जिसमें अगर करना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं रूट नेम और नंबर ऑफ व्हीकल और यहाँ पर उसका किराया कितना उसका। ठीक है, मेंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो या देख सकते हो जो जो उसके मेंबर हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो ऑल मेंबर को किसी भी फाइल में, ये सब में। ठीक है, ये यहाँ पे आप मेंबर भी देख सकते हो जो जो मेंबर हमारे पास हैं। ठीक है, इसको एडिट डिलीट या व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका व्यू भी आपको दे देगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, उसको मेल भेज नहीं एडिट करना है, पीडीएफ रिव्यू लेना है, इसका प्रिंट लेना, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल पे क्लिक करो। ठीक है, ऐड हॉस्टल, एडिट, डिलीट। ठीक है, ऐड हॉस्टल पे क्लिक करो, नेम हॉस्टल टाइप बॉयज है या कंबाइन है, जो भी होगा उसका एड्रेस और नोट यहाँ पे दे देंगे, ऐड हॉस्टल कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी होती है। ठीक है, ऑलरेडी उसमें हॉस्टल फीस बताई हुई है, क्लास टाइप क्या है, ठीक है, और हॉस्टल नेम क्या है। एडिट एंड डिलीट की ऑप्शन भी है यहाँ पे, ऐड कैटेगरी। ठीक है, यहाँ से हॉस्टल का नेम है, क्लास टाइप क्या है, उसकी फीस क्या है, नोट। यहाँ से मेंबर देख सकते हो अपने हॉस्टल के। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लास ले कर लो। अच्छा, तो ये आपको मेंबर भी शो करा। ठीक है, उसके ठीक है, ये ऑलरेडी जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऐड हैं, ठीक है, ये सारे शो करेगा। यहाँ पे आप अगर उसको मेंबर ऐड करना हॉस्टल का तो यहाँ पे क्लिक करोगे, हॉस्टल कौन सा उसने लेना है और उसकी टाइप कौन सी होगी। ठीक है, तो ऐड मेंबर कर दोगे। ठीक है, तो उसको हॉस्टल की फैसिलिटी में प्रोवाइड कर देनी है। ये हो गया, उसके बाद हमारे पास सेक्शन वाइज अगर आप देखना चाहते तो ये हमारे पास। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट शो करेगा। ठीक है, उसको प्लस के साइन में ऐड करके आपने ऐड कर लेना। उसके बाद अकाउंट में आ जाए, यहाँ पे फीस टाइप है, फी टाइप उसको आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फाइल में। ये इसके डिफरेंट टाइप है, डिलीट एंड एडिट एंड फी टाइप, यहाँ से आप ऐड करोगे। यहाँ पे फीस टाइप ऐड कर दोगे और यहाँ पे इसका नोट दे दोगे। इनवॉइस हम देख लेते हैं। नेट स्लो है जिसकी वजह से ये लोडिंग में टाइम ले रहा है।
ये हमारे पास इनवॉइस है, ठीक है, फुली पेड है, अनपेड है, या पार्शली पेड है, किसी ने हाफ पेमेंट की हुई तो वो हमारे पास शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिसने नहीं की यहाँ पे पेमेंट पे वो क्लिक करेगा इसको पे करने के लिए, यहाँ पे वो इनवॉइस अपन देख, ठीक है, वो कितनी अमाउंट है और कैश से पे कर रहे हैं किसने, वो यहाँ पे ऐड पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, मैं इसको व्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास उसकी जो है शो कर देगा इनवॉइस, ठीक है, जिसमें फुल पे क्योंकि उसमें फुल पे के 10 लाख का जो है ड्यू अमाउंट 0-0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम स्वैप भी कर सकते हैं फीस को, अगर यहाँ पे ड्यू अमाउंट का, ठीक है, जिस जिसने पे किया कर दिया वो इस तरह आपको फिल्टर करके दिखा देगा, जिसने पार्सली पेड किया, ठीक है, जिसने नहीं पे की तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके भी यहाँ पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐड इनवॉइस करनी है तो यहाँ से ऐड इनवॉइस करो आप। स्कूल पे डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स स्टूडेंट की जो फीस भी डिफरेंट होती है, क्लास बेहद सेम हो लेकिन कुछ की फीस डिफरेंस होती है, तो वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। सिलेक्ट स्टूडेंट फी टाइप, ठीक है, यहाँ पे टाइप लिख दोगे अमाउंट और उसको डिस्काउंट कितना दिया, कितने परसेंट दिया वो आप यहाँ पे लिख दोगे और डेट जो भी होगी, ठीक है, ऐड इनवॉइस कर दोगे यहाँ से। इसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री शो करता है, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये 9 of 9 है, जिसकी एडमिशन फीस वगैरह जो भी है, कैश इसने किस तरह पे किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। फिल्टर करना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपली, वो फिल्टर भी कर देगा, ठीक है। एक्सपेंसिव हमारे कितने आए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है, इसको एडिट और डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे ऐड एक्सपेंस कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से नेम और डेट उसकी क्या थी, अमाउंट कितनी हमारी, उस पर हमारे कितने एक्सपेंसिव आए और नोट अगर भी देना चाहते हो, ठीक है। अनाउंसमेंट में अगर नोटिस को जारी करना है तो यहाँ से आप नोटिस जारी करोगे, नोटिस पे क्लिक करोगे, ठीक है, नोटिस ये डिफरेंट उन्होंने दिया, ठीक है, इनको व्यू करना है तो व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो किसी भी फाइल में। ऐड नोटिस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मैंने नोटिस ऐड किया, ठीक है, बिल पेपर का ये वो है, ठीक है, ये टाइटल आ जाता है, डेटा आ जाती है और उसकी नोट, ठीक है। इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं, कोई स्कूल में हम इवेंट्स करवाते हैं तो वो, ठीक है, डिफरेंट चांस रहता है, यहाँ इस तरह के इवेंट्स आते हैं, को व्यू और डिलीट एडिट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड इवेंट कर सकते हो, यहाँ स्कूल में कोई इवेंट करवाते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी हो जाता है, तो यहाँ पे देखें इसकी डेट और टाइम वगैरह शो कर रहा है, और यहाँ पे जो है टाइटल होगा, ठीक है, फाइल अगर कोई अपलोड करनी है तो आप पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं। हॉलीडे में आ जाते हैं, हॉलीडे शो कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू कर लो और एडिट डिलीट अगर ऐड हॉलीडे करनी है यहाँ पे पीडीएफ पीडीएफ किसी भी फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड हॉलीडे हमने की, हमने व्यू किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये मतलब हमने ऐड की हुई है और यहाँ पे एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ये उसके बाद कुछ की डिटेल्स में
उसमें दी हुई है। ठीक है, टाइटल है फॉर्म डेट टू डेट ब्लॉग पिक्चर और डिस्क्रिप्शन या डिटेल वगैरह। ठीक है, तो रिपोर्ट में लेते हैं, मतलब क्लास तो बोर्ड है सबसे पहले, किस क्लास में रिपोर्ट लेनी है। वन की एक सेक्शन है गेट रिपोर्ट, या उसको प्रिंट भी कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, मतलब उसने रिपोर्ट शो कर दी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर कौन सा है, क्लास इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने असाइन हुए हैं, एग्जाम फीस कितनी है, हॉस्टल फीस सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर। ठीक है, और स्टूडेंट अकाउंट इन्फो भी शो कर रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, फी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस रिपोर्ट अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से एब्सेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास वन कर लेते हैं, सेक्शन में कर लेते हैं, सब्जेक्ट मैथ और डेट कोई भी हम अच्छी कर देते हैं, कोई भी हम इसको गेट रिपोर्ट दे लेते हैं अगर हमें रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट इसकी भी शो कर देगा, उनके साथ फोन नंबर भी शो कर देगा। स्टूडेंट रिपोर्ट यहाँ पे कंट्री हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट की, जेंडर की लेनी है कोई भी लेनी है तो फीमेल की, स्कूल की और यहाँ पे गेट रिपोर्ट। ठीक है, अभी हमने भी रिपोर्ट ऐड नहीं की हुई थी इसलिए मैं वो शो नहीं कर रहा। इस सेक्शन की गेट रिपोर्ट हम करते हैं अगर इसकी हमने ऐड की हो तो। इसको मैं पूरा नहीं किया इसलिए उसको नहीं करा। उसके बाद विजिटर इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं, तो बाद में साइन इन करना पड़ेगा। अगर मैं स्कूल में विजिट करना चाह रहा है तो उसके यहाँ पे उसे पास क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, उसके बाद कमिंग फ्रॉम, कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, मिलना उसने किसको है, और मी टू। ठीक है, सिलेक्ट यूजर हम यहाँ से यूजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्रेंड है, फैमिली है, कौन है वो, ठीक है, यहाँ अदर है वो, यहाँ पे इसका इमेज शो होगा। ठीक है, और ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्रिएट पास और पास क्रिएट कर लेगा। उसके बाद वो हमें स्कूल में आके एंट्री कर सकता है, अगर वो एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी लेकिन पिक्चर उसने ऑलरेडी ले ली है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम ये भी विजिटर ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, एकेडमिक ईयर ऐड करना है तो वो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2017 है, 2019 अभी चल रहा है, ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड एकेडमिक ईयर में यहाँ पे, ठीक है, ईयर और ईयर टाइटल जो भी होगा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम एडमिन, यहाँ पे ऐड सिस्टम एडमिन ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं ऐड अगर हमने ऐड करना तो। नेम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन, फोन नंबर, ज्वाइनिंग डेट, फोटो और की लॉगिन डिटेल, रीसेट पासवर्ड, अगर पासवर्ड को रीसेट करना है तो आप यहाँ से करोगे। ठीक है, यूजर किसका करना है और यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास है मेल एसएमएस टेम्पलेट, यहाँ पे मेल और एसएमएस टेम्पलेट ऑलरेडी बना के रख सकते हो। ठीक है, ताकि जब सेंड करो तो फिर इसके कैप्स सारा मैसेज टाइप करो, अब टेम्पलेट उठाओ और उसको थोड़ा सा एडिट करके उसको सेंड कर दो। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो।
ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, SMS के टेम्पलेट ऐड करनी है या मेल की ऐड करनी है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे ऐड कर सकोगे। इम्पोर्ट में है हमारे पास क्या, भी ओपन हो जाता है तो बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐड टीचर या डाउनलोड सैंपल यहाँ पे आप कर सकोगे, ठीक है। अपलोड करना है तो अपलोड करते क्लिक करोगे, उसको फाइल सेलेक्ट करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, यूजर बुक्स या स्टूडेंट। अगर काफी आपने बल्क में ऐड करना है तो वो आप कर सकोगे, इम्पोर्ट या अपलोड, ठीक है। यहाँ पे सैंपल हैं उसके डिफरेंट, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसी सैंपल में अपने जो है स्टूडेंट्स को ऐड कर लेना और यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये सैंपल उसका, ठीक है, इसको आपने करके और अपलोड कर देना सारी चीजें उसकी लिख के यहाँ पे, इसका स्टूडेंट टीचर और बुक्स वगैरह का भी होगा, ठीक है। बैकअप अगर लेना तो अपने डेटाबेस का जो है बैकअप ले सकते हो, ठीक है। डाउनलोड SQL और डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो। रोल यहाँ पे अपने सिलेक्ट करने होते हैं, ये मेरे पास है, ठीक है। इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। मैं ऐड रोल करता हूँ कि हमारे पास मॉडिएटर है या ऐड रोल, यहाँ पे रोल का नाम करोगे, ऐड करोगे और ऐड रोल कर दोगे, ठीक है। उसका तो परमिशन क्या देनी है उनको, जब हमने रोल ऐड किए, जैसे स्टूडेंट मॉडिएटर वगैरह है, जिस तरह हमारे पास मॉडिएटर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको उन्हें परमिशन क्या क्या देनी है अपनी वेबसाइट पे, वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे कौन कौन से डाटा तक एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो ये देखेंगे यहाँ से, हम इसको परमिशन देंगे, ठीक है। एड एडिट डिलीट एंड व्यू, ठीक है। वो हमारे पास ये सारे हमारे पास जो डाटा है किस किस, अगर वो सिर्फ ऐड कर सकता है या सिर्फ एडिट साथ एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या सिर्फ व्यू कर सकता है, तो ये इसको हमने जो है परमिशन यहाँ से देनी होती है या उसको मैनेज करना होता है। अपडेट में देते हैं यहाँ से, तो ये आपका जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया इसको अपडेट के लिए हमारे पास यूज होता है। सेटिंग में आ जाते हैं कि जनरल सेटिंग, पेमेंट सेटिंग और एसएमएस सेटिंग। ये हमारे पास डेमो में अभी वर्क नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये यहाँ पे डिसेबल है और ये आपको करनी पड़ेगी परचेज करने के बाद, ठीक है। जनरल सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो साइट का जो है टाइटल या स्कूल नेम जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे देखना, ठीक है। तो बाद फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ऑटो इनवॉइस जनरेट या करनो, ठीक है। करेंसी कौन सी है, उसकी सिंबल क्या है, फुटर में क्या शो जो यहाँ पे शो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे नहीं भी जाना अकेडमी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस वगैरह है उसका और डेट नोट थोड़ी है मतलब कुछ एग्जाम। यहाँ पे लोगो उसका ऐड करना आपने, जो भी आपने ऐड करना अपने स्कूल का, ठीक है। अपडेट सेटिंग कर दोगे तो सेटिंग को अपडेट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो देखेंगे कॉपीराइट अब शो कर रहा है यूनिक विजन अकेडमी, यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास सारी सेटिंग अभी बाकी दो वो परचेज करने के बाद ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, ये हमारे पास यू हैव टू ईयर, यहाँ पे ईयर शो करता है। उसके बाद हमारे पास नोटिस शो करता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है लैंग्वेज शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, तो हम करते हैं टीचर का लॉग इन, के टीचर के पास कौन कौन से हमारे पास चीजें आ जाती हैं, टीचर क्या क्या कर सकता है वेबसाइट पे। तो ये
मेरे पास डैशबोर्ड आ जाता है ठीक है टीचर का, और ये उसको जो मॉड्यूल असाइन किए गए हैं ठीक है वो ये है हमारे पास ठीक है, मीडिया एग्जाम, स्टूडेंट टीचर एकेडमिक अटेंडेंस एग्जाम, मार्क्स मैसेज मीडिया, ये ट्रांसफर वगैरह ठीक है यार उसका जो टीचर के। इसी तरह मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, स्टूडेंट का देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है ठीक है, वो यहाँ से अपने टीचर्स को व्यू कर सकता है ठीक है, ये इसके टीचर्स हैं और एग्जाम स्केड्यूल अटेंडेंस देख सकता है, मार्क्स देख सकता है, मैसेजेस वगैरह, मीडिया और लाइब्रेरी यहाँ से ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो की होंगी ठीक है, मेंबर वगैरह सारा कुछ, ये उसकी है कि वो मेंबर है कि नहीं ठीक है, ये चीजें हैं स्टूडेंट की मेरे पास। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। उसके बाद पेरेंट क्या जाती है ठीक है, तो ये पेरेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास, और ये उनको जो जो मॉड्यूल असाइन किया गया ठीक है ये यहाँ पे शो कर रहे हैं ठीक है, ये पेरेंट के हो गए। इसी तरह हमारे पास बाकी भी हमारे पास हैं जो हमने ऐड किए हैं ठीक है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है, रिसेप्शनिस्ट है, या फिर अकाउंटेंट है, मैं इसको ऐड करता हूँ, साइन करता हूँ। तो अकाउंटेंट को क्या चीज़ें दी गई हैं, वो ये वाली चीज़ें दी गई हैं ठीक है, ये वाला उसका डैशबोर्ड है अकाउंटेंट का। इनवाइसेस कहाँ कितनी पड़ी हैं, कितने फी हैं, डैशबोर्ड फीचर कितने हैं, इवेंट कितने हैं ठीक है, ये हमारे पास अकाउंटेंट का डैशबोर्ड आ जाता है ठीक है, 132 इनवाइसेस हैं ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन का है, तो लाइब्रेरियन का मैं साइन कर लेता हूँ, तो ये लाइब्रेरियन का है ठीक है, टीचर सब्जेक्ट मैसेज वगैरह मीडिया में उसमें जितनी भी इसकी चीज़ें उसको साइन की गई हैं। मैं उसको लॉग आउट करता हूँ। लास्ट में बताया जाए रिसेप्शनिस्ट, तो मैं उसको साइन करता हूँ ठीक है। तो ये हमारे पास उसका डैशबोर्ड आ जाता है, उसको हमने क्या क्या चीज़ें साइन किया ठीक है, अनाउंसमेंट है, हॉस्टल की है और विजिटर इंफॉर्मेशन है ठीक है, और मीडिया मैसेज वगैरह टीचर, ये चीज़ें हमने उसको जो है साइन की है या उसको परमिशन दिया है मॉड्यूल की रिसेप्शनिस्ट को ठीक है, वो सिर्फ व्यू कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता ठीक है, या डिलीट भी नहीं कर सकता, हाँ डाउनलोड कर सकता है यहाँ से ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट। अगर आप बनवाना बनवाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे।